हेलो फ्रेंड, स्वागत एक बार फिर आपका हमारे चैनल मेहसान स्टारडस्ट में। बॉलीवुड इंडस्ट्री करियर एनालाइज का एक और वीडियो लेके एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो हूँ। और आज हम करियर एनालाइज करने जा रहे हैं बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर नितेश तिवारी का। नितेश तिवारी इटारसी मध्य प्रदेश में पैदा हुए और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एज अ डायरेक्टर स्क्रीन राइटर पहचाने जाते हैं। और वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने करियर का आगाज को डायरेक्टर किया था 2011 में रिलीज होने वाली मूवी चिल्लर पार्टी, एज अ को डायरेक्टर उनकी डेब्यू मूवी थी। अगर नितेश तिवारी की बेस्ट मूवीज की बात करें तो उनमें शामिल है चिल्लर पार्टी, भूतनाथ रिटर्न, दंगल और 2019 में रिलीज होने वाली उनकी आखिरी मूवी छिछोरे वगैरह शामिल हैं। और उन्होंने एज अ राइटर भी काम किया है, जिनमें फिल्म किल दिल, नील बट्टे सन्नाटा और बरेली की बर्फी वगैरह शामिल हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम नितेश तिवारी का कंप्लीट करियर एनालाइज करने जा रहे हैं, उनकी रिलीज होने वाली तमाम मूवीज की डिटेल और मूवीज का बॉक्स ऑफिस पर रिजल्ट क्या रहा है, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे उम्मीद है हमारे आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोज के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं हम अपना आज के वीडियो। 8 जुलाई 2011 को रिलीज होने वाली मूवी चिल्लर पार्टी, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में नितेश तिवारी की डेब्यू मूवी थी। फिल्म की लीड कास्ट में सनाथ मेनन, रोहन ग्रोवर, नमन जैन, आरव खन्ना वगैरह शामिल थे। और फिल्म का बजट था 6 करोड़, इंडिया में कलेक्शन वो 6 करोड़ 55 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 3 करोड़, और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म फ्लॉप करार दी गई। 11 अप्रैल 2014 को रिलीज होने वाली मूवी भूतनाथ रिटर्न, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी ने। फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, पार्थ भालेराव, बोमन ईरानी, उषा जाधव वगैरह शामिल थे। और इस फिल्म का बजट था 33 करोड़, इंडिया में कलेक्शन 39 करोड़ 54 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 6 करोड़ 32 लाख, और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म बिलो एवरेज करार दी गई। 21 दिसंबर 2016 को रिलीज होने वाली आइकॉनिक फिल्म दंगल, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी ने। फिल्म की लीड कास्ट में आमिर खान, सक्षी तनवर, फातिमा सना शेख, जायरा वासिम वगैरह शामिल थे। और इस फिल्म का बजट था 90 करोड़, इंडिया में कलेक्शन हुए 387 करोड़ और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन थे 1968 करोड़, और कलेक्शन के हिसाब से ये आइकॉनिक फिल्म एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर करार दी गई थी और यही बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी साबित हुई है। 6 सितंबर 2019 को रिलीज होने वाली मूवी छिछोरे, इस फिल्म को डायरेक्ट किया था नितेश तिवारी ने। फिल्म की लीड कास्ट में सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर, वरुण शर्मा वगैरह शामिल थे। इस फिल्म का बजट था 65 करोड़, इंडिया में कलेक्शन था 153 करोड़ 9 लाख और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 212 करोड़ 67 लाख, और कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ब्लॉकबस्टर करार दी गई थी और यही अब तक नितेश तिवारी की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी भी साबित हुई है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो और आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर नितेश तिवारी का कंप्लीट करियर एनालाइज किया। नितेश तिवारी की डायरेक्शन में बनने वाली इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज है कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखना ना भूलिएगा। और आने वाली वीडियोज में आप किन किन सुपरहिट एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में उनका नाम लिखे, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। व्यूअर, मैं हूँ आपका नया होस्ट। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर हौसला अफजाई कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और वीडियो भी बनाता रहूँ। मुझे उम्मीद है हमारे आज के वीडियो भी आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारा आज का वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।